तो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में आ चुका है विंटर सीजन और इस गड़कती ठंड में हमारे पीछे पड़ चुका है जायंट एविल स्नोमैन। अरे यार कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है यार, मेरे से तो सहन ही नहीं हो रही आज गर्मी। आज लगता है गर्मी ने 50 डिग्री पार कर दिया है, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हो रही है यार। ये देखो धूप भी कितनी तेज लग रही है आंखों में। इस गर्मी के मौसम में तो यार आइसक्रीम खाने का मन होता है सच में, लेकिन हमारे यहाँ भाई कोई है ही नहीं। अबे यार रोड में से तो भाप निकल रही है, इतनी तेज गर्मी हो रही है यार। ध्यान से देखो भाई, रोड पूरा गर्मा रहा है, ऐसा लग रहा है इस पर चलूंगा ना मैं तो मेरे जूते ही जल जाएंगे, इतनी तेज गर्मी हो रही है। यार मेरे पास एक आइडिया है भाई, अभी है ना एक हफ्ते तक मेरी छुट्टी है, तो मैं एक चीज कर सकता हूँ भाई, मैं इतनी गर्मी में आइसक्रीम की दुकान खोल सकता हूँ। और दुकान की भी जरूरत नहीं है, एक आइसक्रीम ट्रक चाहिए मुझे, देखूँ तो जरा कहाँ मिलेगा। ओके भाई एक सेकेंड, ये जगह, अबे ये तो अभी नहीं थी, ये कब आई? मतलब इस जगह के एंड पे हम लोग को एक आइसक्रीम ट्रक मिलेगा यार, ये तो कमाल की बात हो गई। अब मेरा बिजनेस चालू होने वाला है, गर्मी में सबसे ज्यादा आइसक्रीम ही चलेगी, आइसक्रीम बेचता हूँ मैं, एक गाड़ी भी और फ्री में मिल रही है यार ये टास्क कंप्लीट करने के लिए, वो भी मस्टैंग GT। चलो तो फिर करता हूँ मैं, बस मुझे इस रैम के एंड तक पहुँचना है और वो आइसक्रीम ट्रक मेरा होगा। चलो ठीक है जाता हूँ, अभी मुझे ये पंखों से तेजी से बचते हुए जाना है, एक बार भी टकराए बिना। एक बार टकरा गया मैं, लेकिन अगर ज़्यादा टकरा दो ना ये गाड़ी भाई तहस नहस हो जाएगी, इसलिए देख के जाना पड़ेगा। यार टकरा ही गया, अरे यार ये नहीं करना था मुझे, थोड़ा पहले निकल जाना था। ये देखो पूरी गाड़ी अलग हो गई है, सारे दरवाजे बाहर आ गए भाई इसके, ये चलने की हालत में है बस, बाकी ये गाड़ी पूरी ख़त्म हो चुकी है। इससे ज़्यादा अपन तोड़ेंगे नहीं, आग नहीं लग जाए कहीं इस गाड़ी में। फिर से निकालता हूँ मैं, इस बार तेज़ी में निकालूंगा वरना फिर से टकरा जाऊँगा। ठीक है निकलते, ओ भाई निकल गया जैसे तैसे, ये कर लिया मैंने। इसके ऊपर से जाना है क्या? नहीं शायद से साइड से जाना है, क्योंकि ऊपर से तो रास्ता ही नहीं, साइड से भी तो जा सकते हैं, मतलब कि ओके ये बीच में से जाने वाली चीज़ थी, वही मैं सोचूं भाई ऊपर से कहाँ ही जाएंगे। ओके ये भी कर लिया हमने, और ये वापस से पंखा आ गया डिस्टर्ब करने, कर दिया है। अब ये कंटेनर के ऊपर चढ़ा के मुझे ले जानी पड़ेगी, थोड़ा स्लो तो नहीं कर दिया मैंने? नहीं नहीं आ गया कोई दिक्कत नहीं हुई। चलो आगे करते हैं, ये बीच बीच में क्या ही ईंट निकाल के रखी है, इसको तो आराम से कर दूंगा मैं भाई, ये सब बहुत ईजी है मेरे लिए। अब आगे देखते हैं क्या है। अच्छा यहाँ से मैं नीचे गिर नहीं सकता हूँ, नीचे गिरा तो स्टार्टिंग से आना पड़ेगा, लेकिन आगे जो चीज़ है ये कौन सा पजल है भाई, इतना खतरनाक, मतलब कि यहाँ से घूमते हुए मुझे रेड कंटेनर से होते हुए ग्रीन फिर ब्लू फिर ग्रीन ऐसे घूमते हुए जाना है। ओके ठीक है ये वाला तो मैं कर दूंगा, लेकिन अब ये ब्लू वाले पे कैसे चढ़ेंगे भाई, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ब्लू वाला तो ऊपर की तरफ जा रहा है। अरे 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 ज़्यादा जल्दी नहीं, इससे मैं नीचे भी गिर सकता था अभी, करेक्ट। और भाई पीछे गड्ढा था, मैंने देखा ही नहीं, आन दो उसके ऊपर, आन दो आराम से जाएंगे। ठीक है ये सही मौका है, चलो अब चलते हैं। ये लोग कर दिया, अब लैंडिंग प्रॉपर और कर दिया हमने। अब ये झाड़ को उगा के रखा है भाई बीच रैम्स में, झाड़ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अचानक से गड्ढा मत दे देना यार, नीचे गिर जाऊंगा मैं। ये झाड़ कब खत्म होगी समझ नहीं आ रहा मुझे, तो एक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार, बीच में कहीं पे भी गड्ढा ना हो, बस आगे दिख रहा है। अच्छा ये एंड पॉइंट है, ठीक है, मतलब कोई गड्ढा नहीं था, मैं तेजी से आता तो हो सकता था मैं बाहर निकल जाता, कौन के अच्छा वन नहीं आया। चलो अब इस कंटेनर के ऊपर जाने का वेट करना है हमें, उसके बाद हम लोग इसको क्रॉस करेंगे। ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल था नहीं, ये भी मैंने आराम से कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये कोन वाला जो पाथ है इसको कंप्लीट करना है, तो इसके बीच में से होते हुए हमें कहाँ पहुँचना है भाई, बहुत ज़्यादा दूर जाने लग रहा है। ओहो यहाँ पर जंप जंप भी है, ये इसलिए है क्योंकि अगर इस पर गलती से उचक के मैं बाहर निकल गया तो फिर मुझे स्टार्टिंग से आना पड़ेगा, इसलिए ये जब भी आएगा ना ये देख के करना पड़ेगा। बिल्कुल ये फिर से आ गए, इस बार वापस से देखना, ये देखो बिल्कुल देख के करना पड़ेगा, ज़्यादा जल्दी में नहीं गया मैं, ज़्यादा तेज ले गया तो मैं हो सकता है बाहर चले जाऊँ, बस मुझे इस पाथ के बाहर ही नहीं जाना। और ये पंखा पूरे बाहर फेंकने की फिराक में भाई, ये लो आराम से कर दिया है। अब क्या है, अब सामने दीवार है, उसके बाद वापस से शायद रैम से थोड़े हो गया यार, आ गया मैं इन तक।
पता ही नहीं चला। बस थोड़ी सी और दूर है वो ट्रक, कहाँ थी, राइट में, हाँ वो रही उधर। तो ये मिल चुकी है मुझे आइसक्रीम ट्रक भाई, फुल रेडी है ये, मतलब इसके अंदर आइसक्रीम्स भी रेडी है, बस मुझे जाके अपना काम चालू करना है। तो आइसक्रीम ट्रक अब मेरी हुई, अब जाके हम लोग को बस आइसक्रीम बेचनी है। वैसे इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि भाई ट्रक है ना, तो इसलिए ये मुझे देख के चलानी पड़ेगी कि ये पलट नहीं जाए गलती से, और पलट गई तो फिर ये उठेगी नहीं, इसलिए देख के। अभी सबसे पहले ये देखें हम कि आइसक्रीम हम बेचे कहाँ, ये वाली जगह मुझे सही लग रही है, कोई ना कोई इधर होगा। ठीक है, तो एक कस्टमर मिला है मुझे, इसके लिए मैं आइसक्रीम रेडी कर रहा हूँ। आ जाओ भाई अपनी आइसक्रीम ले जाओ तुम, ठीक है 10 रुपये। एक सेकेंड, ये क्या हुआ भाई, आइसक्रीम कैसे पिघल गई यार? भाई इतनी गर्मी हो रही है क्या, ये तो निकालते ही पिघल गई यार। उस बंदे को मैंने खाली हाथ भेज दिया है, बेचारा आइसक्रीम खाने आया था, बट वो आइसक्रीम पिघल ही गई। दूसरी भी मैं निकालने की सोच रहा था, इतने में वो चला ही गया। एक काम करता हूँ, मेन मार्केट में जाता हूँ, यहाँ पे तो एक एक कस्टमर आएगा तो ज़्यादा बिक्री हो नहीं पाएगी। हम लोग बिल्कुल है ना शहर के बीचों बीच जाके वहाँ पे आइसक्रीम बेचते, ये पार्क बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, ये बीचों बीच है शहर के, यहाँ पे बहुत लोग घूमते रहते हैं। अरे आ जाओ आइसक्रीम खा लो, सबके सब फ्री में नहीं है, पैसे देने हैं, ठीक है। जिसके पास भी आइसक्रीम के पैसे हैं वो आ जाओ आइसक्रीम खा लो भाई, सबके लिए आइसक्रीम है इधर। 1 2 3 4 आइसक्रीम्स अभी रेडी करता हूँ। ये क्या हुआ, अबे मेरी आइसक्रीम पिघल कैसे गई, अभी तो निकाली थी यार मैंने, भाई क्या हो रहा है यार। सॉरी गाइस, दरअसल आइसक्रीम जो है वो ज्यादा गर्मी के कारण पिघल चुकी है, तो आप लोग की आइसक्रीम कैंसिल। चलो चलो घर जाओ सब अपने, चलो चलो जल्दी। यार ये क्या गर्मी है यार, एक अच्छा बिजनेस मैंने चालू करने का सोचा और इस गर्मी के कारण वो प्लान भी फेल हो गया है। मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन पता है एक मशीन आती है जिससे हम लोग ठंड बढ़ा सकते हैं, उसको आइस मशीन या स्नो मशीन ऐसे कुछ बोलते हैं, तो भाई वो चाहिए मुझे, वो सर्च करके देखता हूँ कहाँ मिलेगी। ठीक है ओके, ये है हमारे शहर में है और ये मिल भी सकती है मुझे, वहाँ पहुँचना है बस मुझे। यहाँ जाने के लिए मुझे बाइक लगेगी, मेरे पास है वैसे एक बाइक अभी रेडी। अरे भाई काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूँ मैं इस जगह पे यार, कहीं मैं यहाँ पे स्टंट मारना भूल नहीं गया हूँ यार, भूल गया लग रहा है। पहली बार में मैंने इतनी तेज मार दी कि मैं नीचे गिर सकता था, बट वो तो अच्छा है कि मेरा जो लाइन ऑफ डायरेक्शन था वो बिल्कुल सीधा था, तो मैं सीधा कंटेनर के ऊपर आ गया। बस अब मुझे उस बिल्डिंग तक पहुंचना है जिसके बीच में गैप है, तो उधर पहुंचने का भी तरीका है जो कि आपको पता ही होगा, वही आज हम लोग यूज करेंगे। इसके लिए हम लोग को उसके ऊपर पहले पहुंचना पड़ेगा। अरे रे भाई मैं सच में भूल चुका हूँ, बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ, अभी मैं कंटेनर से नीचे गिरने वाला था। अब हमें चाहिए एक बहुत ही बढ़िया सी जंप जहाँ पे सीधे मैं इसके नीचे वाले फ्लोर के छत पे पहुंचूंगा। तो आइस मशीन मुझे मिल चुकी है, ये वैसे काफ़ी बड़ी है, इसको मुझे डिलीवर करवाना पड़ेगा डिलीवरी वालों से, ठीक है, लेकिन काफ़ी सही लग रही है। तो जो मशीन है आइस वाली वो मैंने घर पहुंचा दी है, अपने जिम वाले फ्लोर में रखवा दिया है ऊपर। चलो देखते हैं कैसे काम करती है। इसको चालू करने के लिए हमें इसका बटन दबाना पड़ेगा, ठीक है, देखूँ तो ज़रा आइस बनती है कि बर्फ कितनी जल्दी। अबे अबे इसको क्या हो रहा है भाई, ये हिली तो थी लेकिन बहुत तेज हिलने लग गई थी, खराब तो नहीं हुई, कुछ तो बना ही नहीं ना आइस ना कुछ। इतनी दूर जाके मैं मशीन लाया और वो मशीन भी खराब निकली, भाई आज कुछ सही होगा कि नहीं यार। अब मुझे लग रहा है आज तो कुछ सही नहीं होगा, कल ही देखते हैं, अभी चल के अपन सोते हैं। अरे यार इतनी ठंड क्यों लग रही है, मैंने तो एसी भी नहीं चलाया था, गर्मी में इतनी ठंड, ये क्या हो रहा है, हैं? अरे बर्फ, भाई इतनी बर्फ कहाँ से आ गई? अरे यार मेरे घर के बाहर समर सीजन में बर्फ, ये क्या हो रहा है भाई, और ऊपर से भी बर्फ गिर रही है, ये उस मशीन के कारण तो नहीं हो रहा, क्योंकि बर्फ सिर्फ मेरे घर के आसपास ही है, बाहर तो बड़े बड़े स्नोबॉल्स भी है यार। इन स्नोबॉल्स को देख के मेरे बचपन का सपना आज मैं पूरा करने जा रहा हूँ भाई, लेके चलो इनको। हाँ हो गया, तो मैंने इन स्नोबॉल से बनाया है एक स्नोमैन। यार बचपन से कार्टून में देखता था, तब मुझे लगता था कब मुझे मौका मिलेगा इतनी सारी बर्फ के साथ स्नोमैन बनाने का, आज मैंने बना ही दिया यार, और इतना बड़ा बनाया ना कि पूरा शहर देख रहा होगा ये स्नोमैन को। लेकिन यार वो मशीन सच में काम की थी यार, मुझे तो लगा कि ऐसे ही फालतू सी होगी, लेकिन ये मशीन ने तो कुछ और ही कर दिया, पूरी बर्फ ही बर्फ कर दी है। अरे ये क्या हो रहा है,
भाई इतनी बर्फ कैसे आ गई शहर में? अरे यार मैं तो चल ही नहीं पा रहा, ऐसा लग रहा है बर्फ के अंदर फंस चुका हूँ। भाई ऐसे तो मैं कहीं पहुँच ही नहीं पाऊंगा, ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ एक ही जगह पे चल रहा हूँ। मेरे पैर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? ओ अच्छा, ये सपना था क्या? बर्फ ही बर्फ, भाई खतरनाक सपना था यार। ऐसा लग रहा है ये क्या है भाई, बर्फ सच में? और वो स्नोमैन कहाँ गया मेरा? अरे यार ये तो पिघल कैसे गया भाई इतनी ठंड में? पूरा हमारा स्विमिंग पूल जम चुका है और पूरी बर्फ फैल चुकी है, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन भी स्नो में ढक चुका है। भाई इतनी ज्यादा बर्फ गिर रही है, ये मेरी मशीन ने, और ये तो मेरा स्नोमैन है, इसको क्या हो गया? नहीं ये कैसे हो सकता है, ये जिंदा कैसे हो सकता है? नहीं अरे वाह,